पिछले साल 16/11/2020 को उदय सागर तालाब में एक डेड बॉडी मिली थी। डेड बॉडी एक प्लास्टिक के खट्टे में थी जिसके साथ पत्थर बांध के डाले गए थे। उस टाइम बॉडी को निकाल के मुकदमा दर्ज किया गया था, आइडेंटिफिकेशन के प्रयास चल रहे थे। इसी बीच मुखबिर की सूचना मिली हमारे DST के जो जवान है प्रहलाद, उसको। और उस सूचना को डेवलप किया, इन्फॉर्मेशन ये थी कि कोई व्यक्ति एक फर्जी प्रमाण पत्र मृत्यु बनवाना चाह रहे हैं। तो उस मृत्यु प्रमाण पत्र की जो बनवाने वाले थे उन लोगों से धीरे धीरे सूचना को डेवलप किया, तो निकल के ये आया, उस बॉडी का आइडेंटिफिकेशन हुआ उसी दौरान कि त्रिपुरा के रहने वाले उत्तम दास की ये डेड बॉडी है। और उसकी इन्वेस्टिगेशन में ये निकला कि उसके जो भाई है, बड़ा भाई था, उसकी उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध थे। उन लोगों ने उसको रास्ते से हटाने के लिए और उसकी पहचान नहीं हो, वो आरोपी नहीं बने, इसके लिए उसको उदयपुर ला के मार के और बॉडी को डिस्पोज कर दिया था। गांव में जाके बता दिया कि उसकी मौत कोरोना से हो गई है, इसके कारण उसकी बॉडी को हम यहाँ नहीं ला सके। उसका मृत्यु प्रमाण पत्र इसलिए बनवाना चाह रहे थे ताकि कुछ जो उसके ज़मीन जायदाद है वो उसकी वाइफ के नाम हो जाए और दूसरी कुछ LICs थी जिनके पैसे वो लोग उठा सकें। मारने के लिए इन्होंने प्लानिंग ऐसे की कि बड़े भाई ने जो मृतक है उसको फ्लाइट से बुलवाया जयपुर, जहाँ जो जिस गैंग को उन्होंने हायर किया था, लगभग 13 लाख रुपए उस गैंग को इन्होंने दिए हैं इसका मर्डर करने के लिए। वो गैंग यहाँ लेके आई उसको और यहाँ लाने के बाद उसको शराब पिलाया, शराब में नींद की गोली दी और उसके मार के उस डेड बॉडी को इन्होंने डिस्पोज कर दिया। ये भी इसका खुलासा करते हुए सारी टीम, गोपाल जी हैं, राजीव हैं, विवेक, SHO हनुमंत और पूरी उनकी DST टीम, इन लोगों ने दिन रात मेहनत की। 7 आरोपी जिसमें जो प्रेमिका है उसकी, मृतक की वाइफ, उसका बड़ा भाई और जो सुपारी लेने वाले 5 लोग थे उनको गिरफ्तार किया गया है। जो पैसा उन्होंने ट्रांसफ़र किया था उसके ट्रांजेक्शन्स मिल गए हैं, वो भी रिकवरी के प्रयास जारी हैं और सारी लिंक उसमें इन्वेस्टिगेशन की कंप्लीट कर ली गई। विशेष भूमिका इसमें प्रहलाद की रही है जिसने ये सूचना इंटेलिजेंस, प्योरली इंटेलिजेंस बेसिस पे था। उनका मकसद भी ये था कि किसी भी रूप में इस आदमी की पहचान नहीं, त्रिपुरा अगरतला की बॉडी का उदयपुर में आकर डिस्पोजल, आसपास के प्रयासों से किसी भी रूप में पहचान होने की संभावना लगभग नगण्य थी। पांच जो ये आरोपी हैं साथ के, ये जो लोग हैं ये बाहर के हैं और यहाँ पर आके इस तरह के कर रहे हैं, तो पहले भी इनके किसी तरह के और इस तरह के कोई? पांच जो लोग हैं आरोपी हैं वो स्थानीय हैं, यहीं उदयपुर के रहने वाले हैं। बेसिकली जो आरोपी है त्रिपुरा का तपन दास, वो इंटीरियर का एल्युमिनियम का कुछ काम करता था, कुछ ठेके उसने उदयपुर में लिए थे, तब इन लोगों से उसकी जान पहचान हुई थी। इसमें 2 लोगों के खिलाफ कुछ क्रिमिनल हिस्ट्री है, बाकी लोगों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड इसमें नहीं है। ये इन लोगों ने पैसे के लालच में आके वारदात को अंजाम दिया है। जो मरवाने वाले हैं भाई और भाभी, आपसी संबंध उनके थे और मकसद ये था कि इसको मार के इसकी जो सारी प्रॉपर्टी वो अपने नाम ले लें, उसका किसी भी रूप में पहचान भी नहीं हो उसके और ये आरोपी भी नहीं बन सकता। हाँ, नींद की जो उसको शराब पिलाई और शराब पिला के उसकी शराब बीच में वो जब टॉयलेट करने उतरा है तो उसकी शराब बियर के अंदर नींद की गोली मिला दी और फिर गला घोट के उसको मारा है। जी पहले परिचित थे मृतक आरोपी को? हाँ, उसका भाई साथ था। जब ये वारदात को अंजाम दिया है तो उसका भाई खुद यहाँ अलग फ्लाइट से उदयपुर आया और बड़े भाई को उन्होंने जो मृतक है उसको जयपुर लैंड करवाया था। जो मृतक की पत्नी है वो भी इसमें शामिल थी? हाँ बिल्कुल, मृतक की पत्नी के अकाउंट से ही ट्रांसफ़र हुआ है पैसा, वो सारी जो प्लानिंग थी उसमें शामिल थी।
वहाँ जाने के बाद जब उसको पता चल गया तो लगभग एक महीने बाद घर वालों को उन्होंने बताया कि कोविड हो गया और कोविड होकर उसकी उदयपुर में डेथ हो गई और बॉडी का वहाँ पे डिस्पोजल किया जा चुका है। 13 लाख की बड़ी रकम सर एक साथ किया थोड़ी वो अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, 2 या 3 टुकड़ों के अंदर आई है, अलग अलग खातों के अंदर गई है। लाना भी एक बड़ा मुश्किल काम था क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है, बहुत दूर है, भाषा दूसरी है, इलाका दूसरा था। तो टीम इन्होंने भेजी, वाई फ्लाइट भेजी टीम, जो एक व्यक्ति को गुवाहाटी से लेके आई और शायद 2 लोगों को ये आसाम से फ्लाइट से लेके आई।